हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू अनबॉक्सिंग विथ ओप्पो A78 5G। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं ओप्पो A78 को अनबॉक्स और बताते हैं इसके कुछ खास फीचर्स। तो चलिए सबसे पहले करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। यहाँ मिल जाता है आपको A78 5G का ब्रांडिंग। यहाँ मिल जाता है आपको सबसे ऊपर में एक कवर, जिसके अंदर मिलता है आपको ट्रांसपेरेंट केस। यहाँ मिल जाता है आपको सिम इजेक्टर टूल, सेफ्टी गाइड। चलिए इन सब चीज़ों करते हैं साइड। यहाँ मिल जाता है आपको ओप्पो ग्लो डिज़ाइन वाला A78। तो इसको फिलहाल करते साइड और देखते बॉक्स के अंदर और क्या मिल जाता है कंटेंट। यहाँ मिलता है आपको 33 वाट का सुपर बुक चार्जिंग, USB A to C केबल। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इन सब चीज़ों करते साइड और आते हैं फ़ोन की तरफ। फ़ोन को मैंने कर लिया है बूट। तो आते हैं इसके सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ मिल जाता है आपको अबाउट डिवाइस सेक्शन, जहाँ मिलता है आपको कलर OS 13, A78, 8GB रैम, 128GB का इंटरनल मेमोरी, जिसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं रैम को अप टू 8GB। मिलता है 5000mAh का बैटरी और 6.56 इंच का स्क्रीन। कैमरा की बात करें तो यहाँ मिल जाता है आपको 50MP का मेन कैमरा, 2MP का डेप्थ कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा। एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड वर्जन आपको सबसे लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 मिल जाता है। लुक की बात करें तो यहाँ साइड में मिल जाता है आपको फिंगरप्रिंट, यहाँ पे आपको पावर ऑन बटन के साथ काम करेगा। ऊपर के साइड में आपका कुछ नहीं है। साइड में देखिए तो सिम ट्रे, यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर की, नीचे की तरफ आपको 3.5mm जैक, माइक, टाइप सी चार्जिंग और यहाँ मिल जाता है आपको स्पीकर ग्रिल। प्लस आप एक चीज सबसे अच्छा मिल जाता है आपको 200% स्पीकर, जो आपको स्टीरियो स्पीकर के साथ सपोर्ट करता है। ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको स्पीकर मिल जाता है। और बात करें इसके कैमरा की क्वालिटी, तो कैमरा क्वालिटी काफी अच्छा है लगभग, क्योंकि लुक की बात करें तो लुक प्रीवियस फोन की तरह ही स्क्वायर में बनाया गया है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको HD+ का स्क्रीन। ओप्पो A78 की अगर बात करें प्राइस की, तो ये ए सीरीज का फोन है, तो लमसम अभी ये लॉन्च अभी नहीं हुआ है, ये मेरे पास आया है ओप्पो A78। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो ये लगभग 20,000 के अंदर ही आएगा। तो अभी तो फिलहाल ये फर्स्ट डे सेल, शायद ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको 18 तारीख से देखने को मिलेगा। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की अगर बात करें फोन में, तो यहाँ मिल जाता है आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, जो आपको HD स्क्रीन के साथ मिलेगा। फोन में अगर प्रोसेसर की बात करें, जो हर फोन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, यहाँ मिलता है आपको Dimensity का 700 प्रोसेसर, यानी MediaTek Dimensity 700, जो मेरे हिसाब से अगर बात करें K10 भी कंपनी का आया था, जो जिसमें आपको 810 डायमेंसिटी मिल रहा था, यहाँ आपको 700, यानी कि पिछले मुकाबले के फोन के मुकाबले इसको कम कर दिया गया है। तो फोन ने कुछ खासा प्रभाव तो नहीं डाला है, लेकिन यही चीज है कि अगर ऑफलाइन मार्केट में अगर आप जाते हैं और ओप्पो का ब्रांड आपको पसंद है, तो 5G के लिए आप ले सकते हैं इस फोन को, क्योंकि इस रेंज में आपको ओप्पो के ए सीरीज में खास तौर पर किसी को 5G नहीं मिलता है। तो ये कम दाम का ए सीरीज का ओप्पो का 5G फोन है। तो ओवरऑल फोन की बात करें तो 50-50 मैं रेटिंग दूंगा इसको, क्योंकि इसमें एक दो चीज है जो अच्छा लगा मुझे, जो आपका डुअल स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन है, 5G है और 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, वो भी ठीक ठाक है, और 33 वाट का सुपर बुक चार्जिंग, वो सब ठीक है। लुक की बात करें तो लुक प्रीवियस फोन की तरह ही है, लेकिन बैक का डिजाइन कुछ ग्लो कुछ ज्यादा अच्छा है। तो अगर कलर की बात करें, तो यहाँ मिल जाता है आपको ग्लोइंग ब्लू कलर। और 5G के बारे में मैंने एक चीज आपको नहीं बताया, इसका जो 5G बैंड आपको सपोर्ट करता है, वो 6 बैंड को सपोर्ट करता है। तो इंडिया में जो बैंड आएगा उसके हिसाब से फोन आपका ठीक ठाक है 5G के लिए। तो दोस्तों, आपको ओप्पो A78 कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। टिल देन बाय, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।